दोस्तों, देखिए इसमें एच जो शहर का एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और जो क्यू का पिता है के दो प्यारी पोतियां सी और एस। ये देखिए पहली लाइन में तीनों पीढ़ियां आ गई, ठीक है। एच है ये शहर का एक प्रसिद्ध चिकित्सक, वो क्यू का पिता है, एच क्यू का पिता है। इसके दो प्यारी पोतियां हैं, किसके? एच के, ठीक है। एच के दो प्यारी पोतियां हैं, यानी कि कौन कौन है? सी और एस दोनों पोतियां हैं, यानी फीमेल्स हैं, ये दोनों फीमेल्स हैं। ये पिता है यानी ये मेल है, और क्यू का पिता है तो क्यू जो है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, अभी नहीं कह सकते। ये इसकी पोतियां हैं, यानी कि ये जो है ये इसकी पोतियां है, पोती और कोई जरूरी नहीं है क्यू की बेटियां हुई, क्यू बेटा है इसका, और भी तो बेटा हो सकता है ना, इसलिए हम अभी इसके बारे में नहीं बोल रहे, हम इसके पोते के बारे में बोल रहे हैं, ये पोतियां। उसके बाद क्या है, के की शादी कुछ साल पहले हुई थी और अब उसके केवल दो बेटे हैं, एक के है, ठीक है। के की शादी कुछ साल पहले हुई थी, पहले हम इस के को यहां रख लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसकी शादी हो चुकी है और उसके दो बेटे हैं, ठीक है। अब दो बेटे कौन है आगे पता लगेगा। आर जो बेहद जिंदादल है, आई की भाभी है, ठीक है। एक आर बंदा है, आर आर है, ये जिंदा दिल है, ठीक है, और ये आई की भाभी है, ठीक है। तो ये आर क्या हुई? भाभी है, यानी फीमेल हुई, किसकी? आई की। तो हम इसको लिख देते हैं भाभी, ये भाभी है। सी एस से ज्यादा लंबी नहीं है, ये सी जो है एस से लंबी नहीं है, यानी एस सी से लंबी है। तो हम एक यहां पर और करते हैं कि एस इज टालर देन सी, और आर तीन व्यक्तियों से छोटी है। आर जो है ये कुल कितने हैं? सात व्यक्ति हैं, तो तीन व्यक्तियों से छोटी है, यानी एक दो तीन, चौथे नंबर पर कौन है? आर है, ठीक है, तीन व्यक्तियों से छोटी है, लेकिन उसकी बेटियों से लंबी है। ये आर जो है उसकी बेटियों से लंबी है, यानी ये जो है बेटियां हैं इसकी, बेटियां हैं कौन? एस और सी, यानी ये जो आर है ये इसकी माँ है, ठीक है, मोम है माँ, ये इसकी माँ है आर, और इसकी भी माँ है। जब अंगूरों को लूटने की बात आती है तो परिवार में पुरुषों की स्त्रियों से ऊंचे होने का फायदा होता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसका मतलब ये है कि जितने भी पुरुष इसमें हैं वो सब जो है स्त्रियों से लंबे हैं, ये जनरल स्टेटमेंट हुआ, इसका आगे प्रभाव आएगा। आई उनके भाई और पिता से छोटा है, मान लीजिए ये पिता है, ठीक है, और ये भाई है, तो आई आएगा यहां पर तीसरे नंबर पे, कौन आएगा? आई आएगा। किसे छोटा है? उसका भाई और पिता। अब देखिए भाई और पिता से छोटा है, इसका मतलब इससे दो बड़े लोग हैं। अब ये कौन है? ये भी हो सकते हैं पिता, ये भाई हो सकता है, और कुछ आ सकता है आगे। परिवार में जो सबसे बड़ा है वह सबसे लंबा भी है। देखिए सबसे बड़ा कौन है? पिता, ये एच है, ठीक है, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। एस अपनी दादी से लंबा नहीं है। अब देखिए आपने सारे जो है ये लाइनें कंप्लीट हो गई, अब हम इसको थोड़ा जो गैप रह गए हैं उनको पूरा करते हैं। देखिए ये कहता है कि आई है अपने पिता और भाई से छोटा है, तो ये पिता तो ये हो गया, तो भाई कौन आएगा यहां पर? ये भाई यहां पर आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा, ये क्यू है, ठीक है, तो ये क्यू और आई जो है ये भाई है, ओके, ये हमारी समझ में आ गई। अब देखिए इसमें दिया है कि परिवार में दो जो है विवाहित जोड़े हैं, तो ये विवाहित जोड़ा जो है एक तो आ गया ये, ठीक है, ये पत्नी है और ये पति है, ये पत्नी है यानी ये फीमेल है, और दूसरा जोड़ा कौन सा आया? देखिए ये जो है भाभी है, किसकी है? आर भाभी है आई की, और भाई कौन है? क्यू, तो क्यू और आर क्या है? पति पत्नी, ये दूसरा विवाहित जोड़ा हो गया, ठीक है, ये क्यू आर की, आर जो है क्यू की पत्नी है। एस अपनी दादी से लंबा नहीं है, एस जो है ये अपनी दादी से लंबा नहीं है, देखिए ये एस है, एस ये, तो उसकी दादी कौन हुई? ये पोती है किसकी? एच और के की, तो के इसकी दादी हुई, तो के से लंबा नहीं है, यानी के जो है उसकी दादी है वो एस से बड़ी है, ठीक है, तो इस के को हम कहां रखेंगे? आर और एस के बीच में हम के को रख देते हैं, ये एस से तो बड़ी है, ठीक है,
और इससे बड़ी है आर। अब देखिए आर जो चौथे नंबर पे है, के पांचवें नंबर पे है, एस छठे नंबर पे है और सातवें नंबर पे है सी। ये इनके संख्या हो गई है। अब देखिए सारा हमारा ये ढांचा तैयार हो गया है कि कौन किससे क्या संबंधित है। ये क्यों पिता है, इसलिए ये क्या है, ये मेल है। ठीक है, मेल मेल, फीमेल फीमेल, ये क्या है, भाई है, इसलिए ये मेल है और ये भाभी फीमेल हो गई। ठीक है, और ये आपस में इनका संबंध भी हम पता लग गया। अब ये हमारा जो खाका तैयार हो गया, इसके आधार पे हम प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहला प्रश्न क्या है, के से कितने व्यक्ति लंबे हैं। ठीक है, हम इस अपने चार्ट पे आते हैं तो देखिए के कहां पर है, यहां पर के यहां पर है। अब इसे कितने व्यक्ति लंबे हो गए, देखिए एक दो तीन चार। देखिए हम इस प्रश्न को थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम देखेंगे कि एस अपनी दादी से लंबा नहीं, यानी कि ये दादी जो के है ये एस से बड़ी है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि ये आर से छोटी है। ये कहा है कि आर से बड़े तीन लोग हैं, एच क्यू आई, ये भी सही है, आर अपनी जगह सही है और के जो है एस से बड़ी, ये भी सही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आर और के बराबर हो, ठीक है, और बराबर भी नहीं हो सकती, के बड़ी भी हो सकती आर से। क्यों, देखिए आर जो है ये पत्नी, ये आर जो है ये बहू है। ठीक है, आर है ये बहू है किसकी, के की। के किसकी पत्नी है, एच की, और उसका बेटा कौन है, क्यू, और उसकी पत्नी कौन है, आर। यानी कि के जो है वो आर की सास है, और तो सास छोटी हो और बहू बड़ी हो ये थोड़ा सा जमता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें डाउट है कि के इधर हो सकता है, आर इधर हो सकती है, ये हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि के वो आगे भी हो सकती है। देखिए के जो है इन तीनों में भी हो सकता है। इसमें हमें जो दिया गया था ना, खाली एच का दिया गया था कि एच सबसे बड़ा है, और ये जो है के है ये यहां भी आ सकती है, आई की जगह भी आ सकती है, क्योंकि आई के बारे में, आई जो है उसके भाई और पिता से छोटा है, ये भाई और पिता से छोटा आई है, ये बात सही है, लेकिन ये अपनी दादी से भी छोटा हो सकता है। यानी के जो है ये यहां भी आ सकती है, ठीक है, आई से ऊपर भी आ सकती है, आर से ऊपर भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें दिया है कि आर जो है वो तीन व्यक्तियों से छोटी है, तो अब देखिए तीन व्यक्ति एच क्यू और आई भी हो सकते हैं और एच क्यू और के भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सही ढंग से हल नहीं कर सकते। तो हमारा प्रश्न जो है के से कितने व्यक्ति लंबे हैं, हम जो है निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एक बड़ा है, एक दो बड़ा है, एक तीन बड़े हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं कह सकता। जो दिए गई जो सूचनाएं हैं, दी गई सूचनाओं के आधार पर हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि के से कितने व्यक्ति लंबे हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा डी, के नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आई की माँ है। अब आई की माँ कौन है, देखिए इसमें से पता लगेगा आई कौन है। देखिए यहां पर ये आई है, ठीक है, और आई क्या है, के क्या लगती है, माँ लगती है। ठीक है, क्यू इसका पिता है, एच इसका दादा है और के इसकी माँ है, तो हम कह सकते हैं के आई की माँ है। ठीक है, तो हम इसको उत्तर देंगे सी, के। ठीक है, इधर भी हम सी के कर देंगे, अंग्रेजी में भी, हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में तो उत्तर तो एक ही होगा ना। अब देखिए आगे जाइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा तो ये है, हमें पता है सबसे छोटा तो सी है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, सी, यानी उत्तर आएगा ए, इधर भी सी आएगा। उसके बाद का प्रश्न क्या है, एस आई से कैसे संबंधित है। आई तो ये रहा, ये आई है, और एस कहाँ है, यहाँ है, यानी एस का बाप पिता कौन है, एस का पिता है क्यू, और क्यू का भाई कौन है, आई, तो ये इसका चाचा हो गया। ठीक है, एस का चाचा आई, तो एस आई का क्या लगा, भतीजी, एस लड़की है। ठीक है, ये इसकी भतीजी लड़की, ये जो है इसकी एस आई की भतीजी है। के एस से कैसे संबंधित है, के और एच का क्या संबंध है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि देखिए इसमें लिखा है ये जो के एच है और के है, ठीक है, ये एच है और ये के है, तो
तो ये क्या आपस में पति पत्नी है? एच जो है के का पति है, तो ये यहां पर आएगा आंसर बी। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड लक। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।